हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 5 क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी बुक। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। हमें यहां पर एक पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर गार्डन का एक पेरीमीटर दे रखा है, उसका हाफ करना है, हाफ, और उसकी जो लेंथ है इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, उससे उसकी जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन का हमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो जो डायमेंशन का फाइंड करना है मीन्स उसकी लेंथ और विड्थ हमें फाइंड करना है, और जो हम फाइंड करते हैं उसी को हम लेट कर लेते हैं। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ ए गार्डन बी एक्स, लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं, और लेट द विड्थ ऑफ ए गार्डन बी, और इसको वाई मानते हैं। तो हम देखो यहां पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन, ये रेक्टेंगुलर गार्डन, हमने ये लेंथ को एक्स मान लिया और विड्थ को हमने वाई माना, ठीक है। अब ये जो लेंथ है फोर मोर देन इस विड्थ, जो लेंथ है हमारी वो विड्थ से 4 ज्यादा है। अब ये बराबर कब होगी, जब हम इसमें 4 प्लस करेंगे तब ये इसके इक्वल टू होगी, और इसका जो डायमेंशन, इसका जो पेरीमीटर दे रखा है हमारे को, वो दे रखा है 36 पेरीमीटर है दोनों को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा देखो, यहां पर जो लेंथ है वो हमने माना x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x। अब ये कब इक्वल होगी ये विड्थ इसके, क्योंकि ये जो चौड़ाई है उससे ये लेंथ है वो 4 गुना बड़ी है। तो इसके बराबर कब होगी इक्वल, जब हम इसमें 4 प्लस कर देंगे। ये भी हमारी एक इक्वेशन हो सकती है, लेकिन हम वेरिएबल को हम यहां पर एक साइड कर देते हैं सबको, लेफ्ट हैंड साइड, जैसे x y को इधर भेज देंगे तो y माइनस y इज इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पर देखो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम देखो, ये हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अब एक गार्डन है हमारा रेक्टेंगुलर, तो इसका जो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये इसका रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला, ठीक है, और जो हमारे को दे रहेगा 36। अब यहां पर देखो ये फॉलो 2 एल प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब इसका हाफ करना है हमारे को, हाफ द पेरीमीटर, हाफ करेंगे तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से 2 कट गया और हमारे पास है लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ को हमने क्या लेट किया था, x, और विड्थ को करा था y। तो हमारा जो इक्वेशन बना हुआ है x प्लस, यहां भी प्लस हो गया, तो x प्लस y इज इक्वल टू, हमारे को पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है 36 मीटर, ये 36 मीटर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम ये दोनों इक्वेशन की हमें एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे।
और इसीलिए हम इसको मिटा लेता हूं। इसका कोऑर्डिनेट आते हैं तो इक्वेशन हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वो है एक्स माइनस वाई इजिकल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसकी जो टेबल है यहां पर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं, एक्स और ये वाई। तो हमें यहां पर देखो माइनस वाई है, इसीलिए जो माइनस वाली होती है उसको हम पहले लेट कर लो ताकि हमारे को आसान होगा इसको सोल्व करने में। तो वाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 0। तो ये इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 4। अब एक्स माइनस वाई की जगह हमने क्या लिया, 0 इजिकल टू 4। तो एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब दूसरे जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड करने के लिए हम वापस हम इसको लेट कर लेते हैं, हम अब इसको लेट कर लेते हैं वाई को 4। इक्वेशन लिख लेते हैं यहां पर, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 4। अब ये वाई की वैल्यू हम रख लेते हैं, एक्स माइनस वाई की वैल्यू मैंने 4 और ये इजिकल टू 4। तो एक्स की वैल्यू अब इसको माइनस को हम यहां पर भेज देंगे, माइनस 4 तो प्लस हो जाएगा, पहले ये 4 लिख लेते हैं फिर ये माइनस 4 को यहां लेते हैं तो ये प्लस में हो जाता है। तो एक्स इजिकल टू यहां 4 4 कितना हो गया 8। तो एक्स की वैल्यू आई हमारे पास ये 8। ये इक्वेशन फर्स्ट की हमने ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो सेकंड इक्वेशन है उसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं टेबल बनाकर। उसके पहले हम इसको मिटा लेते हैं। अब यहां पर लिख लेते हैं इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 36। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू रख लेते फाइंड कर लेते हैं, यहां पहले टेबल बना लेते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो यहां पर। ये एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 0, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 36। तो एक्स की वैल्यू हमने 0 ले लिया प्लस वाई इजिकल टू 36, तो वाई की वैल्यू आई हमारे पास 36। ये 36। इसी प्रकार से हम एक्स प्लस वाई दूसरा जो सॉल्यूशन है उसके हम वाई की वैल्यू ले लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं 0। अब वाई की वैल्यू हम 0 फाइंड करेंगे तो वाई की जगह हमने रख लिया 0 इजिकल टू 36। तो एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 36। एक्स की वैल्यू आई 36। ये हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिया है और इसको हम अब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर देख लेते हैं, यहां पर फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारी, एक्स की वैल्यू है 4। ये एक्स की वैल्यू यहां पर 4 है और वाई की वैल्यू यहां पर 0 है। तो यही हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा और ये कोऑर्डिनेट यहां बनेगा हमारा ये। और यहां हम इस कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं 4, 0। अब नेक्स्ट है, यहां पर देखो एक्स पर 8 है, एक्स पर यहां पर 8 है, ये रहा 8, ठीक है। और वाई एक्सिस पे 4 है, तो ये इधर आएगा, इधर ये इधर बनना, एक्स पे हमने बनाया था 8 और ये कोऑर्डिनेट 4। अब इसको हम स्केल के माध्यम से इसको मैच कर लेते हैं दोनों को, दोनों कोऑर्डिनेट्स को, और ये एक स्ट्रेट लाइन हम खींच देते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम देखो यहां एक्स, यहां पर एक्स की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू यहां पर 0 आई और y की वैल्यू है 36 और ये यहां पर ये 36 ये इधर,
ठीक है, ये 36, ये इधर है, यहाँ जो कट रहा है ना, ये इधर आया। अब उसके बाद ये कोऑर्डिनेट बना यहाँ पर 0 और ये 36। अब x की वैल्यू यहाँ 36, x पे देखो यहाँ 36, x की वैल्यू यहाँ पर आया ये 36, यहाँ पर 36। और y की वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पर ये 0 इधर, तो इधर बनेगा ये कोऑर्डिनेट। तो यहाँ लिख लेते हैं हम ये कोऑर्डिनेट 36, 0। अब ये दोनों को हम यहाँ पर से इनको स्केल के द्वारा इसको मैच कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ये इस तरह से, अब ये देखो यहां पर कहां कट कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनी, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये। तो ये देखो यहां पर एक्स एक्सिस पे से यहां से 20 पे से चल रहे, तो यहां पर ये यहां मिल रहा, तो एक्स पाए ये 20 कोऑर्डिनेट बना कोमा, और यहां पर वाई पे देखो यहां पर जो है 16, ये 16 ये कोऑर्डिनेट बना एक्स। तो यहां पर लेंथ की वैल्यू करा था हमने एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहां पर आई 20, और वाई की वैल्यू आई हमारे पास यहां पर 16। ठीक है, जो एक्स एक्सिस रहता है उसको हम पहले लिखते हैं और वाई को हम बाद में लिखते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करा था, लेंथ की वैल्यू फाइंड करा था एक्स, तो लेंथ हुआ हमारे पास, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, और वेड़ वो हमारे पास 16 मीटर, और यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ ये हम क्वेश्चन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।